हेलो एंड वेलकम टू योर ऑन बिहार बोर्ड एग्ज़ाम चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग जो है टेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो आप लोग भी इसको टेस्ट के रूप में इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आपको इनमें से जो है और इन कॉन्सेप्ट में से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिनिमम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको मिनिमम इससे देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, मैन डैश मॉर्टल, यानी आदमी जो है वो मरणशील होता है, तो क्या होगा। इज आर एम नन, तो मैन सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि इज हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है हनी डैश स्वीट, हनी डैश स्वीट यानी कि शहद मीठा होता है, ठीक है। तो हनी ये तो क्या बोलते हैं वो मटेरियल नाउन है, तो क्या हो जाएगा सिंगुलर वह भी लेगा यानी कि इज हो जाएगा, ठीक है। आई डैश रीडिंग, तो ध्यान रखना यह वर्ब फोर आ गया है, ठीक है। अ न्यूज़पेपर नाउ, तो वर्ब फोर से पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो आई के साथ इज तो यूज़ होता नहीं है, आर भी नहीं होता है, क्या होता है एम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे वी डैश गोइंग, इसमें भी वर्ब फोर आ गया है, तो इसका मतलब इससे पहले भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, वी के साथ इज नहीं आता है, आर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे ही डैश मी वेल, तो ही यानी कि सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो नो तो यूज़ होगा नहीं, ये प्लूरल के साथ होता है, न्यू तो होगा नहीं, पास्ट में हो गया, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नोज होगा। डैश अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड यानी वर्ब है, तो आई इट इट अगर लगाएंगे तो अंडरस्टैंड्स हो जाना चाहिए, ही लगाएंगे तो वही होना चाहिए, तो इन तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा आई आई अंडरस्टैंड इट, ठीक है। शी डैश अ गुड हाउस, शी डैश अ गुड हाउस, तो शी के बाद क्या होगा, शी के बाद हैव का यूज़ नहीं होता है, हैड का यूज़ होता है अगर पास्ट हो, हैज़ का भी होता है, हर यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। तो शी हैज़ अ गुड हाउस यानी कि उसके पास जो है एक अच्छा घर है, ठीक है, हैज़ हो जाएगा। आगे आई हैव बिन आ गया, ठीक है। आई हैव बिन इल डैश मंडे, तो मंडे जो है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। इसमें जो है टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है, कितना क्या हो रहा है, ठीक है, सिर्फ मंडे दिया है, जो मंडे से वो बीमार है, तो क्या हो जाएगा उसके लिए लगता है सिंस, ध्यान रखना है। अगर टाइम ड्यूरेशन दिया हो रहा है तो लगेगा फोर, अगर नहीं दिया हो रहा है तो सिंस लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी डैश टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे हर दिन के बारे में बोल रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट में ही होगा, तो शी के बाद इस नहीं होगा, ठीक है, गोइंग नहीं होगा, क्या होगा शी के बाद गोज हो जाएगा। नेक्स्ट है आई डैश हर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर यानी पिछले साल, इसका मतलब ये पास्ट में हो गया, तो हैव तो होगा नहीं, प्रेजेंट में है, मेट क्या हो जाएगा मेट, आई मेट हर लास्ट ईयर, ठीक है, यानी मैंने उनसे मिला लास्ट ईयर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आई डैश वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, तो फोर आ गया, इसका मतलब यहाँ पे हैज़ बिन, हैव बिन या हैड बिन होगा, ठीक है, तो आई के साथ क्या लग जाएगा हैड बिन, हैव बिन लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वी डैश हिम यस्टरडे, यानी कि पिछले जो है पिछले दिन की बात कर रहा है, यानी कि विदा हुआ कल, तो क्या लगेगा पास्ट में लगेगा, तो हैव सीन नहीं होगा, सा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, वर्ब टू का यूज होगा। ही डैश इल सिंस फ्राइडे, ही डैश इल सिंस फ्राइडे, तो सिंस आ गया, तो हैज़ बिन या हैड बिन होगा, तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगेगा हैज़ बिन लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आई विश आई डैश अ रिच मैन, काश मैं एक धनी आदमी होता, ठीक है, तो लिविंग है तो क्या लग जाएगा वर, ठीक है, काश मैं एक अमीर आदमी होता तो वर लग जाएगा, ठीक। अगर कहता काश मेरे पास एक हवाई जहाज होता तो आई विश आई हैड एन एरोप्लेन, हैड लग जाता, ठीक है, ध्यान रखना है। वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ही डैश अप एट 5 o'clock एवरी डे, ठीक है, तो गेटिंग नहीं लगेगा, ठीक है, ही गेट्स अप यानी वह जगता है रोज 5 बजे। इट डैश रेनिंग फॉर एन आर, ठीक है, रेनिंग, तो इससे पहले वर्ब आ जाएगा इट हैज़ बीन, ठीक है, फोर लग जाएगा यानी कि हैज़ बीन हो जाए, सॉरी हाँ सॉरी इट हैज़ बीन ही लगेगा, मैंने सोचा आई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, राम डैश गोन बिफोर यू केम, ठीक है, तो राम जा चुका है आपके आने से पहले, यानी कि आपके आने से पहले वो काम हो चुका है, तो हैड हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट होगा नहीं, ठीक है, हैविंग होगा नहीं, राम हैड गॉन बिफोर यू केम, नहीं राम जा चुका है आपके आने से पहले। अगला जो है 18 नंबर क्वेश्चन है, हैव यू डैश हिम, हैव यू डैश, तो हैव लग गया, तो इसका मतलब वर्ब का तीसरा रूप यूज होगा, यानी कि सी साओ सीन, यानी हैव यू सीन हिम। आई डैश अ लेटर टू हर यस्टरडे, यानी पास्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा आई हैव तो होगा नहीं, ठीक है, रोट हो सकता है, रिटन तो होगा नहीं, राइट्स तो होगा नहीं, यानी कि रोट, आई रोट अ लेटर टू हर यस्टरडे, मैंने उसे कल एक पत्र लिखा।
आगे लिखा ही नेवर डैश अ लाई, यानी कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है, तो टेल्स अ लाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे आई डैश हिम टू नाइट, यानी कि मैंने उसे आज रात में देखा, ठीक है, आई डैश हिम टू नाइट, आई डैश हिम टू नाइट, यानी आई मीट तो होगा नहीं, या मीट तो दूसरा ऑप्शन हो गया, आई मीट हिम, ठीक है। चले हु हैज़ डैश माई पेन, ठीक है, हु हैज़ डैश माई पेन, तो हु हैज़ स्टॉल्ड माई पेन, हैज़ हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप यूज़ होता है, ठीक। अगला है 23rd नंबर, आई डैश हिम लास्ट ईयर, आई डैश हिम लास्ट ईयर, लास्ट ईयर यानी कि पास्ट है, तो आई मीट होगा नहीं, आई मेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, वर्ब टू का यूज़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट में रहे तो वर्ब टू का यूज़ होगा। आई विश माई ब्रदर डैश अलाइव, ठीक है, आई विश यानी कि काश मेरा भाई जिंदा होता, यानी कि लिविंग है तो वर्ड लग जाएगा, अगर नॉन लिविंग रहता तो हैड लगता है, ध्यान रखना है। आगे वाटर डैश एट 0°C, ठीक है, तो वाटर क्या होगा, फ्रीज, ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रीज होगा, ठीक है, वाटर फ्रीज एट 0°C, यानी वाटर जो है वो जम जाता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं 0°C में। ही टॉक्स एज इफ, यानी वह बातें करता ऐसा, मानो ही डैश माई मास्टर, यानी वह मेरा क्या है, मास्टर है, तो यह मास्टर जो है ये लिविंग है, इसलिए क्या लग जाएगा, वर्ड लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वी डैश आवर कंट्री, तो हम लोग जानते हो लव्स तो होगा नहीं, सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, लविंग तो होगा नहीं क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, लव। आई लिव डैश पटना, तो ध्यान रखना आई लिव डैश पटना, तो यहाँ पे जो है पटना एक शहर का नाम है, बड़ा है तो इन लग जाएगा, और छोटा जगह रहता तो एट लगता, ठीक है, और ध्यान रखना दो जगह अगर एक साथ रहे और एक उसके कंपेयर में जो छोटा रहेगा उससे पहले एट, और जो बड़ा रहेगा उससे पहले इन, जैसे कि आई लिव डैश दिल्ली डैश इंडिया, ठीक है, तो इंडिया के कंपेयर में दिल्ली छोटा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एट लग जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, इन, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अगला जो है ही डैश इन गॉड, ठीक है, ही बिलीव्स, वर्ब फाइव का यूज़ हो जाएगा, ही बिलीव्स इन गॉड, ठीक है। आई हैव डैश क्रिकेट, तो हैव हैज़ के बाद क्या लगता है, वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है, वर्ब का तीसरा रूप, आई हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है वर्ब फॉर्म्स को यहाँ पे हम लोग कवर कर चुके हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, आप इसको ज़रूर देख के ही जाएंगे, विद कॉन्सेप्ट को थोड़ा सीख के जाएंगे, ताकि आप 4 से 5 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं इनमें से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।